आ जाओ। चेयर ले लो, आई चेयर दे दे। इस साइड आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, सुनिए भाई, तो चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया। चैप्टर का नाम क्या जल्दी बताओ? इनकम डिटरमिनेशन एंड, आवाज नहीं आ रही, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक कौन सा था इसके अंदर? एग्रीगेट डिमांड। दोबारा बताओ क्या था डेफिनेशन? इट इज दी एट अ गिवन प्राइस लेवल, इट इज दी टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? गिवन प्राइस, क्या बात है दिया, ये तो पूरा याद कर लिया आपने, पीछे बस थोड़ा चल रहा। ठीक है अर्जुन, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? वेरी गुड। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? देव, वेरी गुड। ठीक है, हाँ भाई, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर, एडी इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर, हाँ, सी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। आई क्या है? जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है? लेवल ऑफ इनकम। कैसे रिलेट करता है? डायरेक्टली। इफ इफ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस देन कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज देन कंजम्पशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन इनकर करता है? फर्म्स। समझ में आ कितने टाइप का है? दैट इज इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है वो क्या होता है? इंड्यूस्ड, जो इंडिपेंडेंट रहता है, ऑटोनोमस। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट दो टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, कौन कौन से? कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई बात? और नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद रिद्धि कौन है? रिद्धि बेटा मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एग्रीगेट सप्लाई को और क्या बोलते हैं बताओ? नेशनल इनकम। और मैंने फिर बोला था नेशनल इनकम नहीं, अब सिर्फ क्या बोलेंगे? इनकम। किससे डिनोट कर सकते हैं? और उसको वाई से। किससे डिनोट कर सकते हैं? तो वाई इज इक्वल्स टू सी क्या है यहाँ पे? कंजम्पशन एक्सपेंड। और एस क्या है? सेविंग्स। वाई वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इनकम एंड इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई थी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं थी? मैंने लिखवा भी दिया था, सारे नोट्स हमने मेंटेन कर लिए थे। ठीक है, आज कहां से स्टार्ट करना है जल्दी से बताओ? आवाज नहीं आ रही, कहां से स्टार्ट करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और पहले बता दूं, देखो मैंने स्टार बना रखा है, समझ में आ गई बात? ये टॉपिक नहीं आता तो चार नंबर गए पेपर में से, अगर ये टॉपिक नहीं आता। ठीक है, लिखो भाई, सबसे पहले बुलेट पॉइंट बनाओ, दो पेज छोड़ देना, दो पेज छोड़ने का देखना। ठीक है भाई, बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो लिखो, अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, according to J.M. Keynes, K-E-Y-N-E-S, according to J.M. Keynes, J.M. का मतलब John Maynard Keynes, नाम है किसी का, क्या बोला मैंने? John Maynard Keynes, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? J.M. Keynes, according to J.M. Keynes, consumption is a function of इनकम। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, कंटिन्यू रखो। दैट इज कैसे लिखते हैं? आई डॉट ए। ठीक है, दैट इज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो व्हेन, बुलेट पॉइंट चेंज लिखना, इनकम लिखो, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, कॉमा वाइस वर्सा। ठीक है,
फुल स्टॉप। नीचे लिखो, देखो सामने कैसे लिख रहा हूं, सामने देखो, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। लिखो जल्दी से, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये चैप्टर अगर छूट गया तो पूरे टाइम आप लोगों का दिमाग खराब रहेगा, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। इस चैप्टर को तमीज से कर लेना, ठीक है। अब बस यहीं पर रुक जाओ, ठीक। मुझे बताओ अभी मैंने आपको, अच्छा कभी मैं आपसे पूछूं अगर, ठीक है, मैं पूछूं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप मेरे को क्या बताओगे पलक? व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये है क्वेश्चन मेरा। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, कौन कौन बताएगा व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? हाँ भाई अनुराधा, अरे सीक्वेंस सीक्वेंस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और, बट जब भी मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो कितने पढ़ाऊंगा, सिर्फ दो, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा मॉडल है, टू सेक्टर, तो हमें फोर सेक्टर नहीं पढ़ना ना थ्री सेक्टर, हमें कौन सा सेक्टर पढ़ना है, और टू सेक्टर के अंदर से दो ही चीजें आती है, हाउस होल्ड और फर्म्स। ये बात आपको पता है, आपने थोड़ी बहुत नेशनल इनकम के अंदर ही पढ़ ली थी, दोबारा पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, टेंशन मत लेना, भूल गए होगे पता है मुझे, ठीक है, बट पूरा पढ़ाऊंगा। बट अभी सुन लो, यहाँ पे दो सेक्टर हमें पढ़ना है क्योंकि टू सेक्टर ही हमारे सिलेबस के अंदर। तो हमारे लिए आज से एडी क्या होगा, एडी इज इक्वल्स टू, वैसे जनरली एडी क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, बट हमारे लिए क्या है, यानी सी को भी अच्छे से पढ़ना है और आई को भी अच्छे से पढ़ना है, बात समझ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टार्ट करा है, सी, सी को समझाना, ठीक है ना। अभी जो पूरा चैप्टर है, पूरी थियोरी है, ये किसने दिया था नाम बताना, जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है ना, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी इनकी इकोनॉमिक्स पर चलती है, जॉन मेनार्ड कीन्स के। ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स लिखी थी, कहाँ की, यूएसए की, तो पूरी यूएस इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, जॉन मेनार्ड कीन्स की, बहुत काफी मतलब फेमस इकोनॉमिस्ट, ठीक। अब इन्होंने बोला कि जो कंजम्पशन होता है सी, जो मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत देर से, मुझे बताओ कंजम्पशन को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, सी, ये पता है किसका फंक्शन है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का। अब मैं जैसे ही बोलता हूँ कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। सिंपल लैंग्वेज अगर सामने देखो, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे, सही बात भी तो है। कैसे, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम इंक्रीज होगी तो बताओ कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, कंजम्पशन भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। इनकम क्या होने लगेगी बताओ भाई, अगर डिक्रीज तो कंजम्पशन भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज। यानी मुझे दिख रहा है क्लियरली कंजम्पशन डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ इनकम पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बट अब कैसे डिपेंडेंट है और हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं, आगे जरा लिखो मेरे साथ, लिखो भाई, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो, देखो सामने एक इक्वेशन लिखो, पहले लिखो सी इज इक्वल्स टू ए, देखो ए कैसे लिखना, स्मॉल ए, ठीक है, प्लस प्लस एम पी सी वाई, प्लस एम पी सी वाई, ढंग से देख लेना, ठीक। अब आपकी बुक में कैसा लिखा है वो भी लिखवा रहा हूं, ठीक है, याद ये करना जो मैंने लिखवाया है, ठीक है, जो बुक में लिखा है वो भी लिखवा रहा हूँ, कहीं बाद में आके मेरे से डिबेट करो कि भैया बुक में तो ऐसे लिखा है आपने ऐसे लिखवा दिया, वो भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो सी इज इक्वल्स टू ऐसे लिखना, सी इज इक्वल्स टू क्या, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं ऐसा क्यों लिखवाता हूँ थोड़ी सी बात बता दूं, अभी है क्या वो भूल जाओ, सब बताऊंगा मैं, ठीक। मैं लिखवाया सी इज इक्वल टू ए प्लस एम पी सी वाई, ठीक है ना, जो ऊपर हमारा ए है वो आपकी बुक में उसको क्या बोला जाता है बताओ, सी बार, क्या बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम अगर मैंने ए लिखवा दिया उसको, क्योंकि उसका नाम ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। अब बच्चे पेपर में जाके भूल जाते हैं कि सी बार क्या था, नाम भूल जाते हैं, तो अगर आपको क्या याद रहता है ए, तो फिर याद आ जाता क्या था, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब बात समझे, ठीक है ना, तो पेपर में गलती ना हो इस वजह से लिखवाता हूँ, ठीक। तो C is equals to A plus MPC Y. अब मैंने B को MPC क्यों लिखवाया, क्योंकि B होता ही MPC है, मैं क्यों लिखूं अलग से B, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या MPC, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होते। तो आपको क्या याद करना, C is equals to A plus MPC, पांच बार बोलो, C is equals to A plus MPC, C is equals to A plus MPC, C is equals to A plus MPC, अब भूल जाओ A क्या है MPC क्या, पहले याद करो C is equals to MPC Y, इतनी बात समझ में आ गई, आओ थोड़ा लिख के फिर समझेंगे, लिखो जरा नीचे where, ऐसे करके लिखना where, where a
या सी बार, दोनों क्या है लिखो आगे, ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद लिखो एमपीसी, या बताओ क्या बी लिखो आगे, मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नीचे लिखो वाई इज इक्वल्स टू, सबको पता है वाई क्या होता है, बताओ भाई, इनकम, वाई इज इक्वल्स टू इनकम, फुल स्टॉप। ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो जल्दी से, लिखो लिखो ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन, इज द कंजम्पशन विच विच डज नॉट, विच डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अपॉन द लेवल ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो इफ इनकम लेवल, जल्दी जल्दी लिखते रहना, लिखना ही लिखना है चैप्टर के अंदर, इफ इनकम लेवल इज जीरो, इवन देन देयर विल बी, इवन देन देयर विल बी सम कंजम्पशन, सम कंजम्पशन which is known as, which is known as autonomous consumption, which is known as autonomous consumption. ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो लिखो when income increases, when income increases consumption also increases, when income increases consumption also increases, but the rate of increase, but the rate of increase in consumption is always less than, is always less than the rate of increase in income, comma, comma, कुछ पूछना तारेश, comma, लिखो it is due to, it is due to psychological reasons, psychological की spelling देख लेना, psy बच्चे c से लिख देते, psychological, cy, cycle चला देते हैं, ठीक है, psy, ठीक है, psychological, due to psychological reasons, ठीक है, comma, therefore it is known as, therefore it is known as psychological law of consumption, psychological law of consumption, full stop, full stop, full stop. कहाँ third line, कौन सी third line, when income increases consumption also increases, but the rate of increase in consumption is always less than the rate of increase in income, it is due to psychological reasons, therefore it is known as psychological law of consumption. ठीक है भाई, पहले बताओ टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा है, ठीक है ना,
क्या स्टार्ट करा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या मेनली उसको किस नाम से जाना जाता है? कंजम्पशन फंक्शन. किस नाम से? कभी पूछू कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन किसका फंक्शन है? यानी कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, कैसे? इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, इफ इनकम डिक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो डिक्रीज. ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना? अब जेएम कीन्स ने हमें एक इक्वेशन बताई. क्या बताई? इक्वेशन सामने जरा देख लो. मैंने क्या लिखा था ऊपर? सी इज इक्वल टू, बताओ, ए प्लस, याद हुई है या नहीं याद हुई? सी इज इक्वल टू ए प्लस. अब कीन्स ने बोला कि भाई कंजम्पशन ना दो चीज को ऐड करके निकलता है. अगर टोटल कंजम्पशन निकालना है, ठीक है ना, तो दो चीज को ऐड करके ही निकलेगा. एक तो आपको ये दिख रही है वन, और एक प्लस के बाद वाली टू, है ना? जब हम इन दोनों चीज को क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कंजम्पशन. यानी अगर कंजम्पशन को समझना है तो पहले क्या समझनी पड़ेगी? इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा. बात समझ रहे हो? ठीक है ना? अब मैं इन दोनों की बात करने जा रहा हूं. ये दोनों क्या है? ठीक है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? कंजम्पशन. पहला मुझे नाम बताओ, ए का मतलब क्या है? पहले नाम बताओ. ऑटोनॉमस कंजम्पशन. बोलो क्या? ऑटोनॉमस. दोबारा बोलो क्या है? बुक में किस चीज से रिप्रेजेंट करा होगा इसको? सी बार से. याद रहेगी बात, ये सी बार भी लिखो तो भी क्या है वो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब जरा ढंग से सुनना. किसी बच्चे को ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब पता? व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमस? कहीं ध्यान रखना, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट. जो चीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो क्या होती है? ऑटोनॉमस. क्या होती है? तो पहले आप मुझे बताओ, आरबीआई क्या ऑटोनॉमस है? वेरी गुड, आरबीआई इज ऑटोनॉमस बॉडी. पढ़ा है ना मनी एंड बैंकिंग में? एपेक्स. एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं है. मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन, तो वो भी ऑटोनॉमस बॉडी. अच्छा सीबीआई ऑटोनॉमस, उस पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट. जो किसी पे डिपेंडेंट, कोई यहाँ पे ऑटोनॉमस है? कोई भी नहीं है. ठीक है, जरा ढंग से सुनना मेरी बात को. ठीक, तो वो कंजम्पशन जो किस पे डिपेंड नहीं करता? लेवल ऑफ इनकम पे. तो आप बोलोगे भैया आप तो स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ. बिल्कुल सही बात है, बट एक ऐसा कंजम्पशन है जो किस पे डिपेंड नहीं करता? लेवल ऑफ इनकम पे. अब इस बात का क्या मतलब? आप मुझे बताओ, अगर मेरी इनकम जीरो हो जाए, क्या हो जाए जल्दी से बताओ? जीरो. ठीक है, मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, कपड़े पहनना छोड़ दूंगा, है कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूंगा, है ना? तो यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर एक नेचुरल रेट ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है. इफ इनकम लेवल इज जीरो, देयर विल बी सम कंजम्पशन. कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन रहता ही रहता है. उस कंजम्पशन का क्या नाम है बताओ? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऐसा क्यों? उसको ऑटोनॉमस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? लेवल ऑफ. यानी देयर इज सम कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. तो इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खाना खाना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे. समझ में आ गई बात? ठीक है, देयर विल बी सम कंजम्पशन व्हिच इज नोन एज ऑटोनॉमस. यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, देखो ऊपर देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ. यानी इफ इनकम लेवल इज देयर विल बी सम कंजम्पशन व्हिच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब बात समझ में, ऑटोनॉमस सबको क्लियर है? इफ इनकम लेवल इज देयर विल बी व्हिच इज नोन एज. तो चैप्टर में आगे कहीं भी मैंने इनकम जीरो लिख रखी है उसके आगे कुछ कंजम्पशन दिख रहा हो और गलती से आप भूल गए कि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो गलती मेरे से भी हो जाएंगे दो तीन. ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यानी क्या मतलब है ऑटोनॉमस का? इंडिपेंडेंट, जो किस पे डिपेंड नहीं करता? लेवल ऑफ इनकम पे. इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यानी एक बात बताओ, ये पहले वाला कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है, क्या है ये? जो किस पे डिपेंड नहीं करता. यानी ये दूसरा वाला, यानी ये दूसरा वाला, ये डिपेंडेंट है. क्या है ये? अरे कंजम्पशन को डिपेंडेंट बोल रहा थी देर से, बट उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट किसका था? इंडिपेंडेंट कंजम्पशन का, जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड. तो दूसरा तो क्या होगा? डिपेंडेंट. यानी ये वो कंजम्पशन है जो किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ. अब आप पूछोगे मेरे से, भैया ये एमपीसी क्या है? ठीक है, वो अभी नहीं बताऊंगा, पहले बोल दिया, अभी नहीं बताऊंगा. ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें रिवील करूंगा, बट इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ. सर सामने देखना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, सपोज कर लो, अज्यूम कर लो कि एमपीसी की वैल्यू है 0.8. कितनी जल्दी से बताओ? आगे ऐसी आएंगी वैल्यूज. ठीक है, मान लो एमपीसी कितना है? 0.8. एमपीसी क्या है ये मत जानना अभी. ठीक है, एमपीसी की वैल्यू कितनी? 0.8. और मैं कह रहा हूँ, मान लो इनकम कितनी है, जरा बताना इनकम कितनी है. वाई का मतलब क्या? इनकम. मैं कह रहा हूँ इनकम मेरी 1000 है, कितनी है? अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा जरा बताओगे? 800. ये 800 पता है क्या है? ये 800 कंजम्पशन है. क्या है ये? यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी इनकम कितनी है जरा बताओ? 1000. तो उसमें से कितना खर्च करता हूँ मैं?
कितना खर्च करता हूँ 100 रुपीज, कितना खर्च करता हूँ, सॉरी 800 रुपीज, कितना खर्च करता हूँ। अगर मेरी इनकम 1000 है तो उसमें से कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे भैया आपने पूरे खर्चा क्यों नहीं करा यार, कुछ सेव भी तो करते हैं हम लोग, है ना। तो जब भी इनकम होती है तो कुछ खर्चा करते हैं कुछ सेव करते हैं, उस बात पे मैं आऊंगा। तो अगर मेरी इनकम कितनी बताओ 1000, तो उसमें से एक्सपेंडिचर कितना कर रहा हूँ, अब सामने देखते रहे ना। मैं कह रहा हूँ बेटा आज मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम मेरी कितनी होगी जरा बताओ, 2000, बताओ खर्चा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 1600। यानी मुझे एक बार बताना, इनकम बढ़ी क्या, हाँ या ना में जवाब दो, कितनी 1000 से कितनी हुई, मुझे बताओ कि कंजम्पशन भी बढ़ा, कितना हुआ जरा बताना, 800 से, साफ दिख रहा है इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी, ऐसी इनकम कम कर देता तो यानी वो ये कौन सा कंजम्पशन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ। देखो पूरी बात बताऊंगा, एक एक इक्वेशन को खोल दूंगा, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, ए प्लस एमपीसी वाई लिखा है तो ये रट लिया, इसका मतलब कुछ नहीं, जानो वो लिखा क्या है ना। अब एक बार बताओ, इंडिपेंडेंट प्लस दोनों को ऐड कर दिया, क्या निकल के आएगा, टोटल कंजम्पशन, बात ही खत्म, समझ में आई बात, हाँ या ना, ठीक है। यानी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस एमपीसी वाई, उसका लॉजिक ये है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट कंजम्पशन प्लस डिपेंडेंट दोनों को ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन, समझ में आ गई बात। यानी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस एमपीसी वाई क्या होता है, मैं समझ में आ गया, ठीक है। अभी एमपीसी क्या होता है मत जानना, एमपीसी कैसे निकालते हैं आगे बताऊंगा, आगे का टॉपिक है, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक। एक छोटी सी बात आपने ऑब्जर्व करी, क्या आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो जान लिया, ऊपर की दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, दोबारा बताओ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, एंड इफ इनकम लेवल इज देयर विल बी सम कंजम्पशन व्हिच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मुझे लगता है याद हो गई बात, ठीक है। बट आपने एक बात ऑब्जर्व करी, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, मुझे बताओ इनकम कितने से इंक्रीज हुई, हाँ कितने से इंक्रीज हुई, 1000 से, ये मत बताना कितनी हो गई, कितने से इंक्रीज हुई, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुआ, 200 रुपए कहां चले गए, सेविंग्स में कहां चले गए। यानी कहने का मतलब एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। सुन रहे हो मेरी बात, आराम से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, देख रहा है ना, 1000 से कितनी हुई इनकम, 1000 से इनकम कितनी हुई 2000, फिर कंजम्पशन कितना हुआ 800 से, तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, बट क्या ऑब्जर्व करा, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन, क्योंकि इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 1000 से, कंजम्पशन 1000 से इंक्रीज नहीं हुआ, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुआ, 800 से, ठीक है, क्योंकि 200 रुपए कहां चले गए, सेविंग्स में, बात समझ में आ गई। इस बात को बोला जाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्या बोलते हैं इसको, तो कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो आप क्या बोलोगे, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, बट फिर बट लगाओगे, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इसी बात को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, सी पढ़ रहे हैं बेटा सी, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन, तो इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ, आ रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है, बैलकनी की सीट ले रखी है इसने पीछे, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज है उसके, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ ऐसा हो क्यों रहा है, आपने बोला क्योंकि कुछ पैसा हम सेव कर, बट बोलो जनरली होता है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ऐसा क्यों है, क्या चिप फीड है हमारे अंदर, वेरी गुड, व्हाई इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी है, हम सोचते ऐसे यार सारा खर्चा नहीं करना, कुछ ना कुछ क्या करना है, सेव, तो इट इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजन, ये किसकी वजह से, साइकोलॉजिकल रीजन की वजह, देयरफॉर इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, बोलो समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। चैप्टर कौन सा चल रहा है, इनकम को डिटरमाइन तो भी बहुत देर बाद करेंगे, ठीक है, इनकम डिटरमिनेशन है ना, और मल्टीप्लायर तो बिल्कुल एंड में ही आएगा, पहले चैप्टर का मैं क्या बना रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड, समझ में आ गया, फिर हमने क्या पढ़ ली, देख लिया हमने उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स थे, है ना, सबसे पहले क्या पिक करा मैंने, सी, क्या पिक करा मैंने, सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। अच्छा ये पूरी थ्योरी किसने दी है, क्या, केन, जे एम कीन्स, ठीक है, बच्चे अलग अपने आप अपना नया नाम रख लेते हैं, केन, कान्ये, कान्ये वेस्ट, पता नहीं क्या, ठीक है, जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है,
क्या बोला इन्होंने, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, अरे कभी लिख दिया मैंने, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डैश इनकम, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन दी, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू एफ वाई, इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अच्छा सी इज इक्वल्स टू पूरा ए प्लस एम पी सी, बुक में क्या लिखा है आपके, प्लस बी वाई, बी क्या होता है यहाँ, हाँ अब एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब ये थोड़ा लग रहा है ये क्या है प्रोपेंसिटी, बता दूंगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, रिद्धि सिद्धि, अच्छा मैं तो मैंने उसको बोला रिद्धि तो वो देख लेंगे, मैं समझ गया सिद्धि है हाँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, लेवल ऑफ इनकम, अच्छा इफ इनकम लेवल इज जीरो देन देयर विल बी which is known as autonomous consumption, ठीक है, then what is psychological law of consumption, as income increases consumption also increases but the rate of increase in is always the increase in income, ठीक सुनाया मैंने आगे चले, ठीक है, अच्छा अब इतनी बात हमें समझ में आ गई, अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, जब आप थियरी लिखते हो तो जनरली क्या होता है, ठीक है, अब तो इंडियन इकोनॉमी ज्यादा पढ़ते हो आप लोग बकवास, ठीक है, मेनली इकोनॉमिक्स का जो बेस है, ठीक है, उसकी थियरी है और फिर थियोरिटिकल जो एक्सप्लेनेशन को समझाना बाय यूजिंग स्केड्यूल एंड डायग्राम, समझ रहे हो, ठीक है, स्केड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर उसी चीज को हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ भी बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसी चीज को हम थोड़ा एनालाइज करने जा रहे हैं किसके थ्रू, हाँ स्केड्यूल और डायग्राम को, समझ में आई बात, ठीक है लिखो सर, स्केड्यूल मैं कह रहा हूं बस क्लास मत मिस करना, ठीक है, क्लास अगर मिस कर रहे हो बहुत ही लॉस हो रहा है, बहुत लॉस, पहले बता दिया मैंने, क्लास बिल्कुल मिस मत करना, वैसे मैं सिलेबस जल्दी निपटा दूंगा, पहले बता दिया, ढाई महीने के अंदर सिलेबस खत्म है आपका, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करा दूंगा बोलोगे, ढाई महीने छुट्टी नहीं माननी, लग के अपना सिलेबस कंप्लीट करो फिर जो करना वो करो, ठीक है बात समझ में आ गई, लिखो स्केड्यूल, देखो एक तरफ लिखूंगा मैं वाई और एक तरफ लिखूंगा मैं सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाई का मतलब इनकम और सी कंजम्पशन, दोनों ही लिखे क्योंकि दोनों का रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गई बात, इनकम को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, जीरो से, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है आ रहे हैं, दिख रहा है, 100, 200, 300, 400 और लास्ट में लिख लो 500, बट सफिशिएंट है, एक ही स्केड्यूल बनाऊंगा एंड तक वही लेके जाऊंगा, याद कर लेना, रट लेना उसको, उस स्केड्यूल को, ठीक है, कंजम्पशन लिखो 30, 100, 170, 240, 310 और 380, दिख रहा है सबको पीछे, ठीक है अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात, जो मैंने स्केड्यूल बनाया है इसके अंदर मुझे कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट बताना कितना है, कितने से इंक्रीज हो रहा है बताना जरा, देखो यहाँ जब एडिशन देखो कितना हो रहा है, 70 के तो एडिशन हो रहा है, चेक कर लो सब में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में, ठीक है, अच्छा इनकम के अंदर बताना कितना एडिशन हो रहा है, 100, तो ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन, but the rate of increase in consumption is always less than the rate of increase in, it is due to psychological, हाँ psychological reasons, therefore it is known as psychological law of consumption, इतनी बात समझ में आ गई, कोई problem तो नहीं, अच्छा मुझे इसी schedule के अंदर मुझे बताना autonomous consumption कितना है, हाँ भाई autonomous consumption कितना है, कितना है 30, RN कितना है 30 क्यों, हाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन पूछ रहा हूँ, 30 क्यों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर जीरो होगा तो इनकम भी जीरो हो जाएगी, हाँ हाँ अब मुझे एक बार बताओ, इफ इनकम लेवल इज एंड देर इज सम कंजम्पशन, दिख रहा है अगर आपको वहां पे कुछ कंजम्पशन है, ठीक है, देन सच कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी लेवल ऑफ इनकम, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा,
कैसे पता चल रहा है? इनकम तो जीरो है फिर भी हम कुछ ना कहीं अरेंजमेंट करके कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? किसने बोला ये? सेविंग्स? आपने? वेरी गुड। तो पैसा कहाँ से विड्रॉ करते हैं हम? अपना पास्ट सेविंग में से। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो देयर इज सम कंजम्पशन व्हिच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड दैट इज 30। तो 30 हमारा क्या है बताओ भाई? 30 हमारा क्या है? ए, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना ही बनाना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसी बात का अगर मेरे को डायग्राम बनाना हो, शेड्यूल बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की आदत गई है छोट डायग्राम बनाने की, ठीक है। अब जरा डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है आपको ऐसे पैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पैनल तो बना लोगे आप, बट यहाँ पे दो एक्सिस दिख रही है आपको, ठीक है। आर्यन बेटा, ये वाली कौन सी एक्सिस है? वेरी गुड। कौन सी एक्सिस है? वाई। और ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स। सबको पता है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? पक्का ना? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। इनकम को मैं लिखूंगा यहाँ पे, कहाँ लिखूंगा जल्दी बताओ? नीचे। दिख रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इनकम का मतलब क्या जल्दी बताओ? वाई। क्या मतलब है इनकम का? दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा यार, दिख रहा है? ठीक है। कंजम्पशन कहाँ लूं फिर? कंजम्पशन लूंगा मैं यहाँ पे, दैट इज सी। कोई प्रॉब्लम की बात किसी? ठीक है। अच्छा अब कोई मेरे को बता सकता है डायग्राम कैसे बनेगा कंजम्पशन का? साइलेंट कर लो दो मिनट के लिए, ठीक है। बताओ कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनेगा? अगर मेरे को डायग्राम बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, बताओ कैसे बनेगा? लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। चलो वेरी गुड, बट कहां से स्टार्ट करूं उसको? कहां से स्टार्ट करूंगा? जीरो से। कंजम्पशन क्या कभी जीरो हो सकता है? कंजम्पशन क्या कभी जीरो हो सकता है? इनकम जीरो हो जाएगी बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस। तो जीरो कौन बोल रहा है भाई? जीरो कौन बोल रहा है? दोबारा बताओ कहां से स्टार्ट करूं उसको? 30 से। बट वो 30 कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे है ना। 30 कहां लाई करेगा? वाई। मैं एग्जैक्ट वैल्यू प्लॉट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्लॉट करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हम फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फ्री हैंड डायग्राम। तो अब अगर मैं बात करूं तो वो यहां से स्टार्ट होगा, यहीं से है ना, यहीं से तो स्टार्ट होगा। और यहां से स्टार्ट होने के बाद कैसा जाएगा बताओ भाई? कैसा जाएगा जल्दी बताओ? अपवर्ड स्लोपिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? ठीक है। वाई अपवर्ड स्लोपिंग? वाई अपवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज देर इज वॉट? देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज बिटवीन बिटवीन कंजम्पशन एंड। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी, एक बात बताओ जरा सामने देखना जरा, मैं कह रहा हूं अगर इनकम इंक्रीज होगी, देखो यहां से ये इनकम है ना, मान लो ये इनकम है हमारी 100, ऐसी मान रहा हूं अपनी तरफ से, ये आगे इंक्रीज होके कितनी होगी जरा बताओ? 200। तो चेक करना, ठीक है, 100 पे मान लो कंजम्पशन था, ठीक है, 100 ही मान लो, ठीक है। उसके बाद जरा चेक करना, चेक करके बताना कितना हो जाएगा? 170। यानी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बात को समझ? इसलिए मैंने कैसा बनाया मुझे बताओ? कंजम्पशन का डायग्राम, अपवर्ड स्लोपिंग। इतनी बात तो समझ में? अगर ढंग से देखना, कोई मुझे बताएगा यहां से लेके यहां तक ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये है बेटा ए हमारा, दैट इज ये हमारा 30। क्या है जल्दी बताओ? ये हमारा 30। इस डिस्टेंस को यहां से लेके वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा मैं जल्दी बताओ? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारा ए है। क्या है ये? ए। समझ में आ गई बात? और कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। वाई? बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम। चलो डायग्राम बना जल्दी। बना लिया? ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक। तो ये था डायग्राम किसका? कंजम्पशन का। साइड में हमारा स्केड्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ गया, एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। तो पूरा लिखना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन, फिर क्या बनाना पड़ेगा?
फिर स्केड्यूल और फिर डायग्राम, पहले क्या बनता है और फिर क्या बनता है डायग्राम, ये बात ध्यान रखना। बच्चे पहले डायग्राम बनाए थे फिर स्केड्यूल, पहले स्केड्यूल बनता है फिर डायग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? नीचे हिंडल जल्दी से लिखो, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। Concepts of consumption function. ठीक है, ठीक, लिखो पहला, first लिखो average, average propensity, average propensity to consume, average propensity to consume, इसको short में क्या बोलेंगे, APC, क्या बोलेंगे, APC, Average propensity to consume, ठीक है, लिखो, it is the ratio of total consumption to the total income, that is formula likho, APC is equals to C upon Y. Second पढ़ो जल्दी, second likho, likho marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, इसको क्या बोलेंगे बताओ भाई, MPC। देखो आ गया टॉपिक, अपने आप आते चले जाएंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है, लिखो जरा, लिखो it is the ratio of change in consumption to the change in income, ठीक, formula लिखो, that is MPC is equals to delta c upon delta y, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप वैसे ये भी लिख सकते हो, जरा लिखना जरा ऊपर जहाँ पे APC लिखा था, लिखो where c क्या है बताओ भाई, हाँ लिख लो, c is equals to consumption expenditure, ठीक है, और y is equals to बताओ income, या level of income भी बोल सकते हो, ठीक है, नीचे लिखो where, MPC में लिखो where डेल्टा सी बताओ क्या है, change in consumption, ठीक है, और डेल्टा वाई क्या है, change in income, ठीक है भाई, सामने देखो अब जरा, अब कंजम्पशन फंक्शन की अगर बात करूं तो आपको समझ में आ गया कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, अकॉर्डिंग टू जेएमकिंस, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, और उसके बाद हमें एक क्वेश्चन पता है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस एमपीसी वाई, ए क्या है, ऑटोनो, इट इज द कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ, इफ इनकम लेवल इज जीरो देयर विल बी सम कंजम्पशन विच इज नोन एज, as income increases consumption, but the rate of increase in consumption is always less than the rate of increase in income, it is due to psychological reason, therefore it is known as psychological law of consumption, schedule y kahan se start kara tha maine, zero se, kitne se, 100 se up to 500, see 30, y 30 se because of autonomous, kitne se increase kara, y 70 because of psychological law of consumption, diagram ki baat karun तो कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम क्या ओरिजिन से स्टार्ट करा मैंने,
कौन सी एक्सिस से? वाई एक्सिस से, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, देन कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. वाई कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग? तारेश, तारेश, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? कंजम्पशन एंड इनकम. यहां तक क्लियर है? क्विक रिविजन दे दिया. अब मैं आया हूं कंजम्पशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे. किस पे आया हूं? कॉन्सेप्ट पे. कंजम्पशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे. कितने कॉन्सेप्ट हैं? दो. ठीक है, एक एपीसी, दूसरा एपीसी की फुल फॉर्म एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू. एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, पहले मैं एवरेज पे आ रहा हूं. ठीक है ना, अब ये है क्या एपीसी? क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? क्या बताता है? सामने देखो, ऊपर छोड़ दो, पहले फॉर्मूले पे आओ सीधा. मैंने क्या लिखा है जरा बताओ. देखो सामने एपीसी इज इक्वल टू व्हाट बताना? सी अपॉन वाई. क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? अरे वो तो मुझे ही पता है. कंजम्पशन अपॉन इनकम मतलब क्या है इसका? अगर आपने कहीं लिखा, कहीं लिखा है एपीसी इज इक्वल टू 0.7, क्या मतलब इसका? वेरी वेरी गुड. सामने देखो कि मैं अपनी बेटा टोटल इनकम में से कितना खर्चा करता हूं. समझ में आ रही है बात? ये कौन बताता है हमें? एपीसी, टोटल इनकम. वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? टोटल. मैं अपनी टोटल इनकम में से कितना खर्चा कर रहा हूं. तो मान लो मैं कह रहा हूं मेरी टोटल इनकम है 10,000. कितनी है बताओ भाई? और मैं पहले आपको बता दूं, ये मैं अपने पे लेके तो बता रहा हूँ, और ऐसी इंडिविजुअली बताते रहो तो बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है. क्या है? मैक्रो. तो यहाँ पे इनकम की बात होगी तो वो नेशनल इनकम होगी, कंजम्पशन की बात हो रही है तो वो कंट्री का कंजम्पशन लेवल है. बट मैं अपने पे लेके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए. ठीक है, ये माइक्रो नहीं चल रही. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, बट मैक्रो के अंदर किसकी बात होती है? कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की. बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे नेशनल इनकम है ये. मान लो कितनी है? 10,000. कितनी है? 10,000. और उसमें से हम खर्चा कर देते हैं 7,000 रुपए. बताओ भाई, बताओ. 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितनी आएगी वैल्यू? तो 0.7. ठीक है, कहीं लिखा होता तो मैं क्या समझता कि मैं अपनी टोटल इनकम का 70% क्या कर देता हूँ? खर्चा कर देता हूँ. समझ में आ गई बात? ठीक है, एपीसी कहीं लिखा दिख जाए ना, आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे सब बात, उसके लिए ध्यान रखना. ठीक, एपीसी कहीं लिखा दिख जाए तो उसका मतलब क्या है कि मैं अपनी इनकम का, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, 0.7 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 70%. तो अपनी इनकम का मैं 70% क्या कर देता हूँ? खर्चा. ठीक है, अच्छा अगर लिखा होता 0.8 तो 80% खर्चा कर देता हूँ. समझ में आ गई बात? बट चेंज इन इनकम का या टोटल इनकम का? टोटल इनकम का. तो व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू दी टोटल इनकम. दैट इज एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई. कुछ भी हार्ड नहीं है. अगर सिंपल तरीके से चला रहा हूं ना आप लोगों को, ऐसे चलते चले जाओगे एंड तक तमीज से. ठीक है, कुछ भी नहीं है आपका सिलेबस, अब कुछ बचा भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है, समझ में आ गया? तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन, दैट इज कि हम अपनी टोटल इनकम का कितना खर्चा करते हैं. समझ में आ गई बात? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्या इंपॉर्टेंट है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अब इसे थोड़ी पढ़ रहे हो, 11 से पढ़ रहे हो, है ना? तो मार्जिनल वर्ड तो बहुत बार सुना ही है. वहां पढ़ते थे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, पढ़ते नहीं थे? तो कितना मार्जिनल पढ़ा है हमने. कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? एडिशन. ठीक है ना, बट एडिशन बोलते दादा वहां पे मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. बट इसका एग्जैक्टली मतलब होता है चेंज. क्या मतलब होता है? ये बात ध्यान रखना. जरूरी थोड़ी ना है हमेशा एडिशन ही हो, सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है, पीछे भी तो जा सकती है वैल्यू, तो वो भी मार्जिनल में ही आएगा. बात समझ में? तो व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? चेंज. ठीक है, अब मुझे बताओ एमपीसी को लिखा मैंने क्या? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज. वर्ड क्या यूज करा? चेंज. चेंज इन व्हाट? टू द चेंज इन इनकम. दैट इज एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन. तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? चेंज. ठीक है, अब ढंग से सुनना मेरी बात को. मेरी इनकम जितने से इंक्रीज हुई, क्या बोला मैंने? मेरी इनकम उस इंक्रीज का मैंने कितना प्रोपोर्शन खर्चा कर दिया? दोबारा सुन लेना मेरी बात. मैंने क्या बोला? मेरी इनकम जितनी से उस इंक्रीज का मैंने कितना प्रोपोर्शन खर्चा कर दिया? समझ में आ गई बात? वो मेरे को कौन बताता है? एमपीसी. कौन बताता है? अब क्या मतलब है इस बात का? देखो थोड़ा ऊपर चलूंगा. ठीक है, आपको दिख रहा है वाई और सी दिख रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एपीसी और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एमपीसी. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बात को? ठीक है, तो ढंग से सुनना. अगर मैं एपीसी निकालने पे आता तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता? जरा बताओ. सी अपॉन
पक्का सबको पता है, सी अपॉन सी कितना बताना और वाई कितना है, तो 30/0। यार डंडे वंडे एक रखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। मैथ्स है क्या तुम्हारे पास? मैथ्स है? चुल्ली पर पानी है? वो नहीं है। हाँ ये लो है, थोड़ा सा बचा है भाई, आगे का प्रोसेस तुम्हें पता ही है। ठीक है सुनो मेरी बात। अरे यार ये भी सुन लो यार, लो इसके तो एक्स्ट्रा चार्ज सही में लूंगा मैं। 1/0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, और 0/1 यानी कहने का मतलब है अगर जीरो से किसी को डिवाइड करोगे, जीरो से किसी को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर नहीं पता, बट अगर जीरो किसे डिवाइड तो वो उसको भी क्या बना देगा, यही कहने का मतलब इसका। सिंपल सी बात याद रखना, कभी भूलना मत इसको। ठीक है अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं एपीसी में, जल्दी बताओ। 30/0 बोलो भाई, क्या क्या लिखूं, डैश लगाओ, इन्फिनिटी लिखूं, क्या लिखूं, इन्फिनिटी लिख देता हूँ। ठीक है इन्फिनिटी लिखना। ठीक है अब मैं मुझे बताओ दोबारा से, ये 100/100 कितना आएगा, 1। क्या बोला आपने अभी, क्या बोला था आपको, याद ही मैच है क्या, अच्छा करा। ठीक है उसके बाद बताओ भाई, 170/17/20 कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पॉइंट में आएगा समथिंग, है ना। ठीक है ये समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहा हूं मैं वैल्यूज, ठीक है, दैट इज सी अपॉन टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। सी को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, इनकम से, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं एमपीसी समझा पाऊँ व्हाट इज एमपीसी। ठीक है ना, एपीसी तो समझ में आ गया है ना, एमपीसी है चेंज लेना है हमें, क्या लेना है चेंज। तो मुझे बताओ पहले पे तो लगा दूंगा डैश, क्यों लगा दिया डैश मैंने पहले पे, क्योंकि मुझे पता नहीं इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, तो चेंज कैसे निकालूं, अब पता चल जाएगा। देखो आगे इधर देखना जरा, मुझे बताओ 30 में कितना ऐड हुआ, जो हाँ जो 100 आ गया 70, तो यानी चेंज इन कंजम्पशन कितना बताओ, यानी डेल्टा सी कितना है 70। मुझे बताओ यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है 100 का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट 100, दैट इज 0.7, कोई प्रॉब्लम बात को समझने में, इस तरीके से एमपीसी। तो एमपीसी इज व्हाट, चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, दोबारा बोलो, चेंज इन कंजम्पशन टू द, तो एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन व्हाट इज एपीसी, सी अपॉन वाई टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिए दोनों चीजें आपने, एपीसी भी लिख लिया और एमपीसी। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आंसर कर, आप बताओगे मेरे को, 2 मिनट दूंगा सोचने, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1 सोच लो आराम से, मैं तब तक बैठ जाऊं। सोच लिया, मैसेज कर दो मुझे। देखो अब तो पढ़ाऊंगा और आपसे ही पूछा करूंगा, जहां कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना वहां निचोड़ दूंगा मैं आप लोगों को, पहली बता रहा हूं, बिल्कुल दिमाग आंख सब खोल के पढ़ना। कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1, हाथ उठाओ किस किस को पता है आंसर, किस किसी ने सोच लिया है। तारिश ने भी सोच लिया, तारिश है, पूछो पहले पहले तारिश। हाँ तारिश कसम से अब डंडा एक रखना पड़ेगा भाई, मेरे टाइम की मतलब मनी वैल्यू है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ग्रेटर हो सकती है, अच्छा कैसे बेटा, नहीं रुक रही। हाँ बताओ करेक्ट है ना, तो वो टोटल कंजम्पशन नहीं बोलेंगे उसको क्या, मेंटोस लॉजिक है ना, करेक्ट है बात, ऊपर जाओ ना फिर, मैंने तो एमपीसी की बात करी है ना, तुम किसकी बात कर रहे हो, एपीसी की, टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एमपीसी। अब अनुराधा कभी आंसर सुन लेते, आंसर बताओ बेटा, नहीं होगा क्यों, अच्छा
वेरी वेरी सिंपल और वेरी गुड आंसर. मुझे भी बताओ, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मैं भी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ. क्या लॉ का नाम क्या था? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ वो क्या बोलता आ रहा है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन होगा, हमने मान लिया होगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन. जब ऊपर हमने बोल ही दिया तो दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, ठीक है, कि बेटा जब भी क्या होगा हमेशा ध्यान रखना डेल्टा सी की वैल्यू कम रहने वाली है किससे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है अगर मेरी इनकम 1000 से इंक्रीज हुई है तो मैंने सारे उड़ा दिए लो पैसे, यही तो हो सकता है. बट इक्वल्स टू 1 हो सकती है बट 1 से बड़ी, समझ गए मेरी बात को. ये कौन से, ये मुझे बताना इनकम कौन सी है जो मेरी इनकम में एडिशन हो रहा है, ये मेरी टोटल इनकम थोड़ी है. हो सकता है मेरी टोटल इनकम हो 1 लाख, भाई मेरी टोटल इनकम हो 1 लाख, ठीक है, तो ये 1000 कहां से आया, तो ये कैसे आया, हो सकता है आज मेरी इनकम हो गई 1 लाख, बताओ भाई 1000 तो कितना एडिशन हुआ बताओ, एक तो इस 1000 की बात कर रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो, मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ किसकी, एडि कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो यहीं पर रुक जाना, पूछ लेना मेरे से, अगर यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट करी तो आगे चैप्टर और कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये, ठीक है, जरा ढंग सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं. डेल्टा सी कैन नेवर बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई, सो द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. अच्छा चलो ऐसे सोच लो, ऊपर जरा मुझे बताना जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अंदर कितना एडिशन हो रहा है, जरा बताओ सी में कितना एडिशन हो रहा है और उसमें, अब यहीं पे चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही थी, मुझे बताना 0.7, तो द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन, आंसर क्या, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ, ऐसे लिख दिया बुलेट पॉइंट चेंज, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो, पूरा वो लिख दिया इसके अंदर, बात खत्म, समझ में आ गई, लिख लोगे होमवर्क, लिखो उसको होमवर्क, आंसर लिखना, एक होमवर्क और लिखो क्वेश्चन, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1, तारेश इसको ढंग से सोच लेना, ठीक है, ये होमवर्क है, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है चैप्टर, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि एकदम से नया, ये क्या पढ़ने लगे, पढ़ क्या रहे हैं ये, अभी तक तो कुछ और पढ़ते थे हम, एकदम से ये क्या हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसा तो नहीं लग रहा, वक्त बदल गया, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, अभी 2-3 दिन और पढ़ोगे यूज टू हो जाओगे, फिर इसमें यूज टू हो जाओगे, ठीक है. मैं कह रहा हूँ चैप्टर हमने कौन सा, बुक कौन सी स्टार्ट करी है, मैप करो, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, पहले इनकम डिटरमिनेशन बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर ही मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी सब है आगे जाके, न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, कम से कम 35 से 40 न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ही नेशनल इनकम भी आपको पता है, बड़ा अच्छा खासा चैप्टर है, ठीक है, कब पढ़ाया था स्टार्टिंग, सबसे पहले मैंने वही पढ़ाया था, ठीक है, तो वही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कितने चैप्टर रह गए आपके, एक लास्ट वाली यूनिट रह गई, 3 चैप्टर यहाँ रह गए, तो 4 चैप्टर है, बात समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, मेन तो यही है इस टाइम, जिसको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आ गए तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ी कुछ होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है, तो इन 2 चैप्टर पर अच्छे से फोकस रहने चाहिए, क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसे एटीट्यूड रहना चाहिए, कहीं से भी पूछो, कहीं से भी कुछ भी लिया हो इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में से और नेशनल इनकम में से, ठीक है, कहीं से कुछ भी पूछ लो सब आता है, ऐसा आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, तब तो आप पेपर में अच्छे से स्कोर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पहले बता दिया इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है, इस सेकंड टर्म में आपको बिल्कुल भी लोड नहीं आने वाला, ठीक है, लोड तो फर्स्ट टर्म में भी नहीं आया, कितना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया खत्म हो गया भाई, बात गई, ठीक है, अब आगे चलेंगे, यही तो है, पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले तो जब फाइनल आता था पूरा सिलेबस, सोच रहे पूरा सिलेबस कवर करने में कितनी हालत खराब होती है, ठीक है, डबल मेहनत लगती है, जितनी आपने मेहनत करी है ना उसकी डबल मेहनत लगती है, ये सारे चैप्टर पढ़ना, पूरी बुक पढ़ना, 2-2 बुक है आपकी, फिर जाके एग्जाम देके आओ, इतना कैसे एक बच्चा एक दिन में रिटेन करके जाए, फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब तो आपका सिलेबस ब्रेक करके आपके 2 बारी असेसमेंट ले रहे हैं, कितना सिंपल है आप लोगों के लिए, तो पढ़ो, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, चैप्टर कौन सा चल रहा है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एग्रीगेट डिमांड, पढ़ लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ एट अ, करेक्ट है, कितने कॉम्पोनेंट है, वेरी गुड, जब भी कॉम्पोनेंट पूछो तो कितने बोलोगे, कहीं पूछू AD = CD, तब रुक जाओगे कहां तक, I तक, सब लॉजिक पता है ना, क्यों,
ठीक है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्ट गवर्नमेंट फाइनल, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस, व्हाट इज एस, सेविंग्स। समझ में आ गई बात? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सी किसका फंक्शन है, ये किसने बोला, ये जे एम कीन्स ने, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस, ए क्या है, अब बताओ व्हाट इज एमपीसी, हाँ क्या होता है ये, होता क्या ये, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू दी, समझ गए बात को, ठीक है ना। अच्छा कोई लॉ भी पढ़ा है इसके अंदर आपने, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा कंजम्पशन फंक्शन कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको, दो, दैट इज एपीसी और एमपीसी, ठीक है। अच्छा कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1, नो, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट, इवनिंग।